स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई पदक नहीं। आंसर बी रजत। एक्सप्लेनेशन। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में 89.45 मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जिससे वह पाकिस्तान के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए। अगला प्रश्न। किस पूर्व भारतीय विकेटकीपर को दक्षिण अफ्रीका के SA20 लीग का एम्बेसडर घोषित किया गया? ए एमएस धोनी, बी विद्यमान साहा, सी दिनेश कार्तिक, डी पार्थिव पटेल। आंसर सी दिनेश कार्तिक। एक्सप्लेनेशन। दक्षिण अफ्रीका के SA20 लीग ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को लीग का एम्बेसडर घोषित किया है। 39 वर्षीय पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट का गहरा ज्ञान है, जो 2008 में इसकी शुरुआत से ही इंडिया प्रीमियर लीग का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपने 16 साल के IPL करियर के दौरान 6 टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। वह साउथ अफ्रीका की घरेलू T20 लीग SA20 का तीसरा सीजन खेलते नजर आएंगे। इसी के साथ वह SA20 खेलने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। अगला प्रश्न। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी फिलीपींस, डी फिजी। आंसर डी फिजी। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। मुर्मू को यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातु विलियम नेवालिनी काटोलिवेरे ने दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दक्षिण प्रशांत राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान फिजी की संसद को भी संबोधित किया। भारत के राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों, विशेषकर गिरमिटिया मजदूरों के योगदान की सराहना की तथा प्रवासी भारतीय समुदायों के महत्व पर बल दिया। फिजी और मॉरिशस जैसे स्थानों पर भेजे जाने वाले भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? ए हरमनप्रीत सिंह, बी मनप्रीत सिंह, सी हार्दिक सिंह, डी PR श्रीजेश। आंसर ए हरमनप्रीत सिंह। एक्सप्लेनेशन। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? ए 25, बी 35, सी 45, डी 55। आंसर बी 35। एक्सप्लेनेशन। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की है। साल 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के पहले संस्करण में कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता दी गई थी। इनमें उन गांवों को स्थान दिया गया है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं।